गाइज, आप लोगों ने अक्सर सिटी का टूर कराने वाली बसेस को सड़कों पर चलते देखा होगा, लेकिन नीदरलैंड में कुछ ऐसी बसें हैं जो कि सड़कों पर चल के सिटी का नजारा तो दिखाती हैं, वो अचानक से नदी में उतर जाती हैं और उसके बाद पानी में चल के सिटी का नजारा दिखाती हैं। 2017 से ही आधिकारिक तौर पे नीदरलैंड में इन बसेस को चलाया जा रहा है, जिन्हें हम रिवर बसेस के नाम से जानते हैं। सो गाइज, क्या आप लोग भी कोरोना काल के बाद ऐसी बसों में नदी में उतर के सिटी का टूर करना चाहोगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। गाइज, ज्यादातर आप लोगों को एयरलाइंस में फीमेल स्टाफ ही देखने को मिलेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। उसके पीछे का रीजन है फ्यूल की बचत। अब आप लोग कहेंगे, फीमेल स्टाफ और फ्यूल की बचत, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। एक्चुअली एक प्लेन एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में कितना फ्यूल खर्च करेगा, वो वेट पे डिपेंड करता है, और कंपैरेटिवली फीमेल का वेट मेल के वेट से कम होता है। और ऐसा करके बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज ने एक एक साल में 2 से 3 करोड़ रुपए की फ्यूल की बचत भी की है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक बार 0 रुपए के नोट भी छापे गए थे? अब आप लोग कहेंगे, 0 रुपए के नोट वो किस काम के? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। ये 0 रुपए के नोट आरबीआई ने नहीं बल्कि फिफ्थ पिलर नाम की एक संस्था ने छापे थे, और उन नोट्स के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आपसे आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत मांगे तो उन्हें ये नोट दो और हमें बताओ। ये एक्चुअली एक तरीका था अपना गुस्सा जाहिर करने का, क्योंकि आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत क्यों मांगे? ये भ्रष्टाचार को कम करने का तरीका आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। मैगी शायद इस लॉकडाउन में हमारा नेशनल फास्ट फूड बन गया है, लेकिन सवाल यह है कि मैगी का नाम मैगी रखा किसने? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। मैगी का नाम मैगी रखा इसके मसाला इन्वेंटर जूलियस मैगी के नाम पर, जिन्होंने सन 1863 में, जी हां 1863 में मैगी के मसाले को बनाया था, और उसके बाद ये इंस्टेंट नूडल यूएस और फ्रांस में छा गया, और उसके बाद सन 1947 में नेस्ले ने मैगी को खरीद लिया, और फिर 1983 में ये भारत में एंटर हुआ, और उसके बाद आज भारत मैगी का सबसे बड़ा मार्केट भी है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, मैथ का पजल सोल्व करने से ना दिमाग बहुत तेज होता है, तो चलो मैं आपसे एक मैथ का सिंपल सवाल पूछता हूं। सपोज करो कि आपके पास एक मैथ का इक्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है 5 + 5 + 5 + 5 = 5 5 5। अब सबको पता है कि गलत है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सिर्फ एक लाइन यूज करनी है, कैसे भी एक लाइन, और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को ठीक करना है, बस आपको यह याद रखना है कि आपको इक्वल को क्रॉस नहीं करना। करके दिखाओ कैसे करोगे, 10 सेकंड का टाइम देता हूं। सो चलो गाइस, मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका आंसर बड़ा सिंपल है। जो आपका पहला प्लस का साइन है ना, उसको आपको यह लाइन लगा के 4 बनाना था। अब यह कितना हो गया, 545 + 5 + 5 = 555। मैथ का इक्वेशन ठीक हो गया। आपको ये पजल कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।